हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस मिस्टर सिक्स इंग्लिश कंपलसरी। आप वीडियो सीरीज़ के आप जॉब अप्लाई लैटर कर रहे हैं जिहड़े कि आपां नूं पेपर दे विच भी होणगे। एक मैं फॉर्मेट तुहानूं करवा चुकी हैगी हाँ टीचर वाला, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर लैक्चरर वाला। दूजा फॉर्मेट हैगा कि अगर तुहाडे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पा रहे हो, क्लर्क की पोस्ट पा रहे हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पा रहे हो, एक चीज़ याद रखियो, कदे भी सिमिलर जी चीज़ा नहीं आउंदियां हैगियां। वो तुहानू कुछ भी पूछ सकदे, सिर्फ ये आइडिया लैके चलियो क्योंकि मैं फॉर्मेट तां करा रही हूँ थोड़े माइंड दे विच ये चीज़ सैटअप हो जाएगी, ठीक है। जिद्दां भी वो पुछणगे तुसीं जवाब दे दोगे, तो इहदा मतलब ये नहीं है कि सेम टू सेम मेरे दसे वाला आएगा, ये कितों भी आ सकता है, ठीक है। बाकी जिहड़ा हैगा क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट इंपॉर्टेंट ने, सो तां करके मैं तुहानू दस रही हूँ कि तिन्ना चों अगर ये आ जाए तो आपां ने यही फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है। तो दूजी गल हैगी, मैं अपने चैनल पर होर भी काफ़ी सारे सब्जैक्ट्स की तैयारी करा रही हूँ, सो वो भी चैकआउट जरूर करो। बी एस सेमेस्टर 2, 4 और 6 के विद्यार्थियों के नाल चैनल में शेयर जरूर करो, टैलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर लियो, उत्थे भी काफ़ी सारे नोट्स PDF लिंक्स अपडेट्स मैं पाती रहनी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, सब तो पहला तो अपना एड्रैस आएगा उरे, ठीक है, इत्थे सेंटर का एड्रैस होंदा है। उस तो बाद एक लाइन छड के डेट पा के एक लाइन छड के उस तो बाद रिसीवर का एड्रैस होंदा जिथे आपने भेजनी है, ठीक है, जिथे आप लैटर भेज रहे हैं रिसीवर एड्रैस। सो सेंडर वाले आप हो गए रिसीवर जिन्होंने ये प्राप्त करनी है। उस तो बाद फिर एक लाइन छड़ांगे, हुण आती हैगी इत्थे फॉर्मेट दे विच सब्जैक्ट। सब्जैक्ट चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन आप लेटेस्ट फॉर्मेट जिहड़ा है वह देख रहे हैं, तो उस तो बाद जिहड़ा है सब्जैक्ट लिख के फिर आपने जिहड़ा है रिस्पैक्टेड सर मैडम लिखना है। बायजू वालियां दे यही सेम स्ट्रक्चर हैगा, तो नाल ही जिन्हें भी CBSE ICSE बोर्ड है तो ये वाला फॉर्मेट है। अगर आप देखते हैं कि गाइड्स केड़ा फॉर्मेट है तो उसके विच रोंग फॉर्मेट हैगा, ठीक है, तो क्योंकि वो पुराना फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, वैसे वो भी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपां ए वाला जिहड़ा है फॉलो करांगे। जिहड़ी मैं पहली एक पाई सी एप्लीकेशन लैटर उहदे विच जिहड़ा है मैं रिस्पैक्टेड सर मैम वाला उपर पा दिता सी, नीचे सब्जैक्ट पाया सी, तो इस करके कन्फ्यूज़ ना होना, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट तुसीं फॉलो कर सकते हो। सो सब्जैक्ट तो बाद लाइन छटनी है, फिर आपां रिस्पैक्टेड सर मैम लिखांगे, ठीक है। सो ये भी गल माइंड च रखनी है उपर कि जे आप कंप्यूटर ऑपरेटर की भर रहे हैं, क्लर्क की रिसेप्शनिस्ट की भर रहे हैं, तो आप स्कूल कॉलेज के भर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन भर सकते हैं, है ना। तो मैनेजर लिखांगे, टू द मैनेजर चेयरमैन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओबलीक पा के कर लियो, चाहे असी प्रिंसीपल कर सकते हैं, तिना विचों एक चीज़ लिखनी है, द मैनेजर, द चेयरमैन, द प्रिंसीपल, ठीक है। स्कूल का नाम अते इत्थे तुहाडा जिथे भी तुसीं भेज रहे हैगे जॉब अप्लाई कर रहे हो उत्थों का एड्रैस है, पटियाला भेज रहे हो, नापा भेज रहे हो, ठीक है। उस तो बाद है आपने सारिया ही जिन्हें भी तुसी लैटर जेवलियाँ लिख रहे हो वो सेम ही चीज़ा फॉलो करनिया ने, उपर वाली तीन चार लाइन बिल्कुल सेम है। सब तो पहला तो इन रिस्पोंस टू योर एडवरटाइजमेंट इन द ट्रिब्यून डेटेड 2 मई 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, कादे लिए जो भी तुहानू पुछया गया उत्थे पेपर दे विच, रिसेप्शनिस्ट पुछया गया तो ये लिखोगे, क्लर्क पूछे तो क्लर्क लिखोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर पूछे तो कंप्यूटर ऑपरेटर लिखोगे, ठीक है। कुछ होर पूछया हैगा तो तुसी वो भी लिख सकते हो जो इन्हां नाल मिलता जुलता होएगा, ठीक है। सेम कदे नहीं वो पुछते हैगे, सो हो सकता तुहानू इन्हां तिन्नां चों ही अजे हो सकता तुहानू अलग अजे, सिर्फ तुहानू ये है कि फॉरमैट पता होएगा तो तुसी बना के कर लोगे, ठीक है। ये लाइन आपां ने सेम लिखना कि भी आई वुड लाइक टू अपलाई फॉर द पोस्ट ऑफ, इत्थे लाइक सानू क्लर्क दी आ गई तो असी क्लर्क दी पोस्ट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फिल कर रहे हैं इन योर इंस्टीट्यूशन। तो उस तो बाद जिहड़ा है आई वुड लाइक टू सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स, सो सारिया लाइन एवलियाँ तुसी हरेक एप्लीकेशन लैटर च सेम लिखनी है। उस तो बाद अपनी थोड़ी जी जिहड़ी हैगी है, वैसे तो आप CV नाल अटैच करते हैं, लेकिन फिर भी आप जिहड़ा है इत्थे थोड़ी जी एजुकेशनल डिटेल्स जरूर पाने हैं। सो ए पॉइंट पा के या बुलेट च कर सकते हो, तुसी रोमन नंबरल्स च कर लिख सकते हो इत्थे, तो ए पा के तुसी लिखोगे आई हैव पास्ड माय प्लस टू एग्जाम फ्रॉम पब्लिक स्कूल पटियाला विद 80% मार्क्स या 70% मार्क्स, ठीक है, जिन्ने भी मार्क्स तुसीं गेन किते हैं, तो जो भी तुसीं CV च लिखने हैं। सो एवली लाइन है कि मैं प्लस टू पास की अपनी पब्लिक स्कूल पटियाला तो 80% मार्क्स के नाल, फिर है आई हैव पास्ड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विद 60% मार्क्स, 60% मार्क्स के नाल मैं ग्रेजुएशन यानी कि BA पास की है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो। हुण देखो हुण तुसीं ये दोनों लाइनां तो लिखनी है हरेक दे विच, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन हरेक जगह BA ही है, कलर उनू PN नू छड़ के, ठीक है, स्वीपर नू छड़ के, PN नू छड़ के, तो जिहड़ा है अगर वो चीज़ आती तो तुसीं 10th प्लस 2 लिख सकते हो, ठीक है।
बाकी तुसी एक्सपीरियंस लिख सकते हो। लेकिन क्योंकि आपां क्लर्क रिसेप्शनिस्ट ते ऑपरेटर दी भावें कंप्यूटर ऑपरेटर दी तां साडे कोले कंप्यूटर दी जिहड़ी हैगी है नॉलेज सानूं एक्सपीरियंस होना चाहिए है, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए है ना। तो प्लस टू तो बाद बी ए की वारी आई सी, हूँ आएगी साढ़े कोले एक्सपीरियंस की वारी। तो साढ़े कोले आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ एम एस एक्सेल वर्ड एंड पावर पॉइंट, कि मेरे को जिहड़ा है एक्सेल च कम करन, वर्ड च कम करन ते पावर पॉइंट च कम करन दी जानकारी है। फिर उस तो बाद कि आई हैव वन मैनी स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेज, मैंने बहुत सारिया स्कॉलरशिप जीतिया ने, प्राइजेज जीते ने। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, मैं एक अच्छी फैमिली नाल बिलोंग करती हाँ। सो ये जिहड़ियां हैगियां तुसी टर्म्स लिखनिया ने, ठीक है। उस तो बाद हरेक ही एप्लीकेशन लैटर लिखनिया ने, सो अपना तुसी राइट डाउन भी कर सकते हो। सो फिर उस तो बाद आई एश्योर यू दैट आई विल डू माई बेस्ट इन द वर्क, मैं तुहानू विश्वास दिलाउनी हाँ कि मैं जिहड़ा है अपने काम तो बेस्ट दूंगी। आई विल फॉलो द गाइडलाइनस ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइनस फॉलो करूँगी। आई हैव आल्सो एनक्लोज फोटो कॉपीज ऑफ माई डॉकूमेंट्स, मैं अपने डॉकूमेंट्स दी फोटो कॉपियां भी नाल जिहड़ियां है अटैच कीतियां ने। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एज पॉसीबल, जल्दी तो जल्दी मैनू कॉल करन दी खेचला करना जी। थैंक यू फॉर योर कंसीडरेशन, तो तुहाडी जिहड़ी है तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली तुहाडा विश्वास पत्र, ठीक है जी, अपना नाम। उस तो बाद एक लाइन छड़ के इत्थे लिखना है एनक्लोज्ड डिटेल सीवी, कि मैं जिहड़ा है नाल अटैच किया है अपना जिहड़ा है डिटेल सीवी, ठीक है, करिकुलम वीटा जिहड़ा है मैं नाल अटैच किया, फाइन। उस तो बाद जिहड़ा है मैं तुहाडे इत्थे एक रिज्यूमे भी नाल अटैच किया है, एक किसी का वैसे ही गूगल तो चक के, ठीक है। सो रिज्यूमे राइटिंग का मैं तुम्हें दसिया सी, सो सब तो पहला रिज्यूमे या फिर सीवी इत्थे लिखोगे तुसी इत्थे, ठीक है, या सीवी जिहड़ा हैगा तुसी इत्थे लिखना अपना, फाइन। तो सी रिज्यूम या फिर सीवी अपना इत्थे नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अते अपना एड्रेस, ठीक है। सो अपना एड्रेस ते विद पिन कोड लिखना, ये सारिया चीज़ा उपर लिखनी है। बाकी एक फॉरमेट मैं तुहानू पिछली वाली जिहड़ी हैगी है लैटर च करवा चुकी हाँ, तुसी उत्थों भी जिहड़ा है लिख सकते हो। सो कैरियर ऑब्जेक्टिव की हैगा तुहाडा, कोई भी कैरियर ऑब्जेक्टिव है कि मैं बहुत वधिया तरीके नाल काम करांगा, मैं अपनी स्किल्स नू एक्सप्लोर करांगा, तुहाडी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ विच हैल्प करांगा, तो कोई भी जिहड़ा है कैरियर ऑब्जेक्टिव तुसी बना के इत्थे लिख सकते हो। उस तो बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुहाडी की है, ठीक है, इत्थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तुसी लिख सकते हो इन्हू पूरा प्रोपर, जिमें कि मैं तुहानू पहला लिखवाया से। सो क्वालिफिकेशन जिहड़ी है तुहाडी इत्थे भी मैं टैंथ की है जी इन्ने % मार्क्स नाल इवली स्कूल तो एन ए सन दे विच, ठीक है। अगर तुसी सन नहीं लिखना चाहते ईयर तो ना लिखो, है ना। तो प्लस टू की है मैं इवले साल दे विच, सो बी ए की है इवले साल च, एम ए की है इवले साल च, तो सारा जिहड़ा है बुलेट पॉइंट तुसी लिखोगे। उस तो बाद अगर थोड़ा कोई एक्सपीरियंस है तो तुसी एजुकेशन तो एक्सपीरियंस बाद दे विच, ठीक है, इत्थे लिखोगे एक्सपीरियंस, कि मेरे कोले आ एक्सपीरियंस भी हैगा, तो एक्सपीरियंस दा जिहड़ा है तुसी अंडरलाइन करके उस तो बाद उस तो बुलेट पा के लिखोगे कि मैंने फलानी कंपनी दे विच इन्ने साल काम किया, फलानी कंपनी च इन्ने साल काम किया। आई हैव वर्कड टाटा मोटर्स फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। आई हैव वर्कड इन एयरटेल कंपनी फॉर 1 ईयर, तो ऐदा जिहड़ा हैगा तुसी लिख सकते हो। उस तो बाद की स्ट्रेंथ, कि तुहाडियां स्ट्रेंथ किहड़ियां ने, तो तुसी कॉन्फिडेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिनड हो, पेशेंस, धीरज है थोड़े अंदर, हौसला है, पॉजिटिव हो तुसी, ठीक है, क्विक लर्नर, जल्दी जल्दी सीख सकते हो, लीडरशिप है ना, कि मेरे को लीडरशिप क्वालिटी भी हैगी, तो लीडरशिप इत्थे तुसी ऐड कर सकते हो, तो काफ़ी चीज़ां तुसी इहदे विच ऐड कर सकते हो। उस तो बाद परसनल इनफॉर्मेशन फिर जिहड़ा हैगा तुहाडे फादर दा नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, मैरिड ऑन मैरिड ऑन, इंडियन हो, ठीक है, तो तुहाडा जिहड़ा है रिलीजन की है, सिख हो, हिंदू हो, है ना। तो लैंग्वेजेस किहड़ियां आउंदियां, ये सारियां चीज़ां लिखनियां बहुत जरूरी हैं। इंग्लिश आती है जी सानू, हिंदी आती है जी सानू, पंजाबी आती है, ठीक है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, सो ये तुसी लिख सकते हो। उस तो बाद हॉबीज की हैं, कि सिंगिंग का शौक है, पेंटिंग का शौक है, लाइक जो भी तुहाडी है ना। उस तो बाद डेक्लरेशन, वैसे अजकल डेक्लरेशन नहीं लिखा जाता, अगर फिर भी तुसी लिखना चाहते हो तो तुसी लिख सकते हो। उस तो बाद प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर, ठीक है जी, सिग्नेचर सॉरी इधर होंगे ने, सो हाँ ये रे, तो सिग्नेचर जिहड़े हैगे ने इधर ने, तो आपां ने जिहड़ा हैगा इत्थे सिग्नेचर लिखने, इत्थे तुसी अपने रनिंग हैंड दे विच जिहड़े हैगे साइन कर देने जो भी थोड़े हैगे ने, फाइन।
ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਰਮੈਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਸ ਹੈ, ਡੇਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ, ਫਾਈਨ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ।